शराब का सेवन और सेक्सुअल परफॉर्मेंस, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए लोग शराब का सेवन करते हैं। कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत ही लो रहता है और फिर उनको ऐसा लगता है, बार बार विचार आते हैं कि मैं कर नहीं सकूँगा, मेरा इरेक्शन नहीं होगा। उनको बहुत टेंशन रहता है, एंग्जाइटी रहती है और फिर उनका इरेक्शन नहीं हुआ तो फिर फेल होने का डर है और फिर अपनी इज्जत जाएगी। इससे अच्छा फिर अभी शराब पी लो और फिर सेक्सुअल परफॉर्मेंस करो। और वो सेक्स करने के लिए शराब लेते भी है और उनका अच्छा होता भी है। मतलब शराब क्या करती है कि वो इनिबिशन जो है, अपने इनिबिशंस मतलब अपने को जो नहीं करना है ऐसा नहीं करने के लिए रोकती है। नहीं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं होता, उसको रोक देती है। मतलब इनिबिशन को इनिबिट करती है, रोक देती है। तो फिर क्या, आदमी खुला छूट जाता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग जो रहते हैं वो शराब पी के फिर किससे बात करेंगे, टर्रे गिरी से बहुत एरोगेंटली बात करेंगे। मतलब समझो बॉस से बात करना है तो वर्कर क्या करता है, एक आदमी शराब पीता है बाद में जाता बॉस के तरफ ताकि फिर बॉस के पास में अच्छी तरह से बात कर सकेंगे और वो बोल सकेंगे। तो मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है शराब पी के, इनिबिशन जो होते डर रहता है वो निकल जाता है और वो आदमी अच्छा कर सकता है। पर होता क्या है कि फिर शराब की लत लग जाती है। जो शराब एक पेक पीने से आज काम आपका हो गया तो कल आपको हो सकता है कि दो पेक पीने लगेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर तीन पेक पीने लगेंगे, अल्कोहलिक आप बनने का पूरा चांस है। दूसरा यह है कि आप शराब पी के जाते हो तो आपके फीमेल पार्टनर को अच्छा लगेगा नहीं, उसको बास आएगा तो ना बोलेंगी, वो आपका मतलब ये करेंगे, गुस्सा करेंगी या नफरत करेंगी कि नहीं होना भाई। तो मर्दम बोलते कि भाई शराब पी के मत जाओ, बेड को भी जाना है तो फिर उसका ये प्रॉब्लम होते रहता है। शराब पी के क्या होता है, एक तो पार्टनर अच्छी दिखने लगती है, नहीं दिखने वाली भी अच्छी लगती है, इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। ऐसा बोला जाता है कि शराब अल्कोहल इंक्रीजेज द डिज़ायर एंड टेक्स अवे द परफॉर्मेंस। मतलब इच्छा बहुत हो जाती है मगर परफॉर्मेंस निकल जाता है। बहुत लोगों को शराब पीने के बाद में कॉन्फिडेंस तो बहुत आता है, बहुत जाएंगे बिल्कुल, कर भी लेंगे, और कभी कभी क्या होता, कॉन्फिडेंस आता है, इच्छा बहुत होती है और इरेक्शन नहीं होता। या कभी कभी शराब से क्या होता है, उनका जल्दी गिर जाता है, शीघ्र पतन हो जाता है। कुछ ज़्यादा उत्साह आता है, शीघ्र पतन हो जाएगा। मतलब ऐसे अनेक अनेक अनेकानेक प्रॉब्लम शराब पीने की वजह से होते रहते हैं। शराब पीने से कुछ लोगों की फीलिंग बढ़ती है, अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, पार्टनर अच्छी दिखने लगती है, मूड अच्छा बन जाता है और वो शराब पी के फिर जाएंगे। मगर शराब का लत लगना और शराब से इरेक्शन निकल जाना या शराब से प्री मैच इजैकुलेशन हो जाना, मतलब शीघ्र पतन हो जाना, ये भी संभव है और फिर उससे प्रॉब्लम हो सकता है। शराब से कंसेप्शन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कंसीव होने में भी हो सकता है कि जब बच्चा होता नहीं है तो पहले हम पूछ लेते हैं कि आप शराब पीते हैं क्या, बंद करो, उससे कंसीव होने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपका सीमेन में काउंट जो रहता है, स्पर्म काउंट, शुक्राणु का, वो कम हो सकता है, उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है, उसकी मोटिलिटी कम हो सकती है। इसलिए बोलते नहीं, शराब पीना पहले बंद कर डालो यदि आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो। अब शराब के साथ में आपको देखना है कि भाई गुटखा भी देते हैं लोग, तंबाकू खाते हैं, उस वो भी महिलाओं को अच्छा लगता नहीं है पार्टनर को, तंबाकू खाते हैं, फिर खर्रा खाएंगे और फिर वो लेके मतलब बेड पर जाएंगे तो उनको भी नफरत करती है औरत, उनको भी अच्छा लगता नहीं है, या फिर गांजा विंजा पी के जाएंगे तो भी अच्छा लगता नहीं है। तो ये सब आदतें बंद करनी चाहिए। इसका सबका जो साइड इफेक्ट है वो इरेक्शन के ऊपर होता है। मतलब सिगरेट, तंबाकू उसका सेवन, गांजा, शराब, ये जो आदत है इसका सबका बैड इफेक्ट इरेक्शन के ऊपर होता है और इजैकुलेशन के ऊपर होता है। तो ये सब आदतें बंद करना चाहिए। कभी कभी लगता है लोगों को कि नहीं शराब पी के अच्छा हो जाता है, मगर फिर वो कुछ दिन तक ही है और बाद में फिर उनका वही प्रॉब्लम का प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाता है। तो इसलिए शराब का सेवन करके बिल्कुल बेड के ऊपर जाना नहीं है और शराब का कभी सहारा लेना नहीं है। जड़ क्या है, तकलीफ क्या हुई है, मतलब मूल कारण क्या है वो देखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस क्यों चले गया है, क्या कॉन्फिडेंस पिछले बार फेल हो गए करके अभी कॉन्फिडेंस चले गया, कॉन्फिडेंस क्यों चले गया सेक्स का, पहले तो अच्छा कॉन्फिडेंस था अभी क्यों चले गया, तो वो देखना पड़ेगा। और मूल कारण जो है इरेक्शन नहीं आने का वो आप निकालेंगे तो शराब पीने की जरूरत पड़ेगी नहीं। शराब ये लॉन्ग टर्म का प्रॉब्लम ठीक करने वाला कार्यक्रम नहीं है। शराब से लॉन्ग टर्म फायदे होंगे नहीं, शराब से लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होने वाले हैं। इसलिए शराब पी के सेक्स कभी करना नहीं है। आप प्रॉपरली उसका इलाज करो,
इरेक्शन का प्रॉब्लम है उसका इलाज करो, इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है उसका इलाज करो, मगर शराब पी के उसका इलाज कभी करना नहीं है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।